नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एनसेंबल परिवार में। दिवाली का त्योहार हमारे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिवाली को इतनी धूमधाम से मनाने की वजह है कि श्री राम की अयोध्या में वापसी और रावण पर उनकी विजय। श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटकर भाई लक्ष्मण और माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर अयोध्या वापस आए थे। उनके आगमन की खुशी को मनाने के लिए सब अपना घर ही नहीं पूरे शहर को जगमग दीपों से सजाते हैं और धूमधाम से सब मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। दिवाली के इस पर्व की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली या दिवाली रोशनी, अच्छाई की जीत और आध्यात्मिक अंधकार के छटने का पर्व है। यह कार्तिक महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। यह पूरे देश में मनाया जाता है। इस त्योहार को भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के उपरांत अयोध्या वापस लौटने से जोड़ा जाता है। इस दिन धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पश्चिम बंगाल में इस त्योहार को काली पूजा के तौर पर मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दीपावली के त्योहार को असुर नरकासुर की मौत से भी जोड़ा जाता है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से लोगों को छुड़ाया। दिवाली से एक अन्य कथा दक्षिण भारत में राजा बाली से जुड़ी हुई है, जिसका दक्षिण भारत में विशेष महत्व है। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस दिवाली आप अपने घर को ही नहीं, अपने मन को और अपने पर्यावरण को भी साफ सुथरा और स्वच्छ रखेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर सच अपडेट्स। Like and share the video and let us know your queries in the comment section below.